1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट टू, हमने पार्ट वन बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो पहले देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वन ने डिस्कस किया है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है और मीन के बारे में बात की है इंट्रोडक्शन और मीन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा के बारे में, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज़ के बारे में, जो हमारी गलती हो जाए ऐसे सब भी पूछते हैं, इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। मीन जो है उसका मेरिट क्या है, प्रोज क्या है और उसके लिमिटेशन कॉन्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मीडियन के बारे में, इस इंट्रोडक्शन मीडियन क्या है और मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाए और स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले हमारा जो टॉपिक हुआ है मीन ऑफ ग्रुप डेटा, अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा। तो उसके लिए हमारे दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वेयर एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। हमारे जो क्लासेस दिए होंगे उसके जो मिड पॉइंट होगा एक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ जो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस होगा और एन द टोटल फ्रीक्वेंसी, और एन को हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, एन को हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। तो इस मेथड को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय 1400 कंपनीज ड्यूरिंग 2020-2021। 1400 कंपनी के फिगर्स प्रॉफिट्स दिए हुए हैं जो 2020-2021 साल में कमाए हुए हैं। तो प्रॉफिट्स क्या है वो रुपीज़ लैक्स में दिए हुए हैं, 200 to 400, 400 to 600, ऐसे 1400 to 1600 लैक्स तक जाता है। नंबर ऑफ कंपनीज मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ कंपनीज फ्रीक्वेंसी क्या है, 200 से 400 लैक प्रॉफिट कमाने वाली 500 कंपनियां हैं, फिर 300-200 से सारी कंपनियां हैं। तो प्रॉफिट्स आ गया, नंबर ऑफ कंपनी फ्रीक्वेंसी के टेबल में हमेशा सिग्मा एफ फाइन कर लो। कभी दिया होगा, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि सिग्मा एफ जो है 1400 है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1400 है, पर कभी कभी नहीं दिया होगा तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा उसका टोटल फाइन कर लीजिए, उसको सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करें या एन से रिप्रेजेंट करें कोई फर्क पड़ता नहीं। अब क्या करेंगे कि हमारे जो है प्रॉफिट का टेबल है वो क्लासेस में दिया है और उसका सारे क्लासेस का मिड पॉइंट फाइन करेंगे और उसको हम एक्स कह देंगे। तो हमारा 200 to 400 उसका मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब 600/2, 200 + 400 = 600 और डिवाइड बाई 2 मतलब 300, ऐसे ही होगा 500 से और होगा ये 1500। अब जब भी आपके पास टेबल आपने बनाया और आपके पास एक्स आ गया एफ है, तो हमारा मीन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एफ इंटू एक्स एफ एक्स चाहिए होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट एक्स कर लेंगे, सारा फिगर्स फाइन कर लेंगे और ये जो सारे फिगर्स है जो फायर फिगर्स जो हमने एफ ऑफ एक्स फाइन किया उसका हम सम फाइन कर लेंगे सिग्मा एफ ऑफ एक्स, और वो जो है वो है 8,48,000। ठीक है, अगर आपने ये दोनों चीज़ फाइन कर ली, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका फॉर्मूला में आपकी जो ज़रूरत है मीन के लिए वो आपने फाइन कर लिया है, तो हमारा जो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जो हमारा फॉर्मूला है, एन के बजाय हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला के बेस में अगर हम वैल्यूज पुट कर ले तो वो है 8,48,000 डिवाइड बाई 1400, वो होगा 605.71। थस द एवरेज प्रॉफिट इज 605.71 लैक, जो हमारे 1400 कंपनी के एवरेज प्रॉफिट्स क्या है साल 2020 और 2021 के बीच, वो है 605.71 लैक। अब हमने ये किया था नॉर्मल मेथड से, अभी हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। जब भी हमारे जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी बड़ी आ रही, बड़ी होने जा रही है, पता ही चल जाएगा कि हमारा जो डेटा है बहुत बड़े डेटा जो वैल्यूज़ है बहुत बड़ी दी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूला क्या, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन टू आई, वे डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन है, ए जो है हमारा एज्यूम मीन है, आई जो है हमारा साइज ऑफ द इक्वल क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल उसकी साइज क्या है वो आई रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले हमारा जो डेटा इस पर आ जाते हैं, हमने ये प्रॉफिट्स हमारा ये क्लासेस ये फ्रीक्वेंसी, अब जब हम मिड पॉइंट फाइन करें एक्स, उसमें हम एक शॉर्टकट मेथड के लिए एक एज्यूम मीन कर लेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एज्यूम मीन है, 900 इज द एज्यूम्ड मीन, तो इसको हम ए मान लेंगे। हमेशा जो मिड पॉइंट वाले टेबल होगा उसमें से ही हम किसी को ए मानेंगे, और फिर क्या करेंगे हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, आई क्या है देख लो, 200 - 400 - 200 मतलब 200, सारे क्लास के बीच के साइज क्या है 200 है इंटरवल की, तो हमारा डी हो गया एक्स माइनस 900 अपॉन 200, और हमारे डी की जो हमेशा
ग्रुप डेटा के लिए जो बनेगा वो ऐसा ही कुछ बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसा ही टेबल हमेशा डी के लिए बनेगा। और डी फाइन कर लिया, हमारे पास फ्रिक्वेंसी है मतलब एफ इंटू डी कर लेना है। जैसे हम एफ इंटू डी फाइन कर ले तो उसका सिग्मा फाइन कर ले, उसका समेशन फाइन कर ले, सिग्मा एफ ऑफ डी इज -2060। आपने ऊपर देखा कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स सिग्मा एफ ऑफ एक्स क्या बनाता है 8,48,000, और ये सीधा उतर के कितना आ गया -2,2060। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। देयरफॉर सिग्मा एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ए जो हमारा 900 हमने एज्यूमिंग में आना था, सिग्मा एफ ऑफ डी इज -2060 अपॉन एन जो है 1400 इंटू 200, जो हमारा आ जाएगा 900 -294.29 विच इज इक्वल 605.71 लाख, जो हमारे प्रीवियस कैलकुलेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है। तो आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी शॉर्टकट मेथड है जब भी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो। तो हमारा ये हो गया हाउ टू फाइंड एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा या मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब हम करेंगे कि कभी भी क्या होता है कि ऐसा सम भी पूछ सकते हैं, कि ऐसा बोल देंगे कि हमारे मीन फाइंड करने में थोड़ी भूल हो गई, ऑब्जर्वेशन में लिखने में भूल हो गई, वो जो वैल्यू थी वो भूल हो गई, ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़ के रिलेटेड, उसको बोला जाता है। तो उसको सीधा इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं ये टॉपिक को, कि क्या दिया हुआ द एवरेज वीकली वेज फॉर अ ग्रुप ऑफ 25%, जहाँ यहाँ पे एन हमको दिया हुआ एन क्या है 25। तो द वीकली एवरेज वीकली वेज, जो हमारे हफ्ते की जो पगार होती है 25% पच्चीस मानस के लिए, वो क्या है वर्किंग इन अ फैक्ट्री वॉज कैलकुलेट टू बी ₹2,378.40। वो क्या कैलकुलेट की गई थी, उसकी कैलकुलेशन क्या थी 2,378.40। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन फिगर वॉज मिसरीड एज 1600 इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यू 2000 वैल्यू थी करेक्ट वैल्यू, पर उसके बजाय जो हम फाइन कर रहे थे तो हमने 2000 के बदले क्या मिसरीड कर दिया ₹1,600। तो कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज वेज, अभी बोल रहे हैं कि ये गलत है फिगर है क्योंकि हमने जो रीडिंग की थी वो गलत की थी, तो अब कैलकुलेट करो करेक्ट क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो सिंपल मीन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला, ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, एक्स हमारा होगा मिड पॉइंट इसका। तो हमारा इस फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा एक्स जो है, ये जो है हमारा सिग्मा एक्स समेशन, वो क्या होगा एन इंटू एक्स बार, एन हमको दिया हुआ है 25 एंड एक्स बार इज 2,378.40 हमको दिया हुआ है कि द वॉज कैलकुलेट टू बी, ये जो हमारा मीन है वो क्या कैलकुलेट हुआ था 2,378, जो हमारी रॉन्ग है क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, उस मिस्टेक को सुधार लेंगे। तो हमारा पहले हम फाइंड करेंगे, तो हमारा मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो उससे हम सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स हमारा है 59,460 हमारा सिग्मा एक्स है, उसमें हमने जो इनकरेक्ट फिगर जो हमने किया था उसको माइनस कर देंगे। इनकरेक्ट फिगर क्या है 1,600, मतलब 59,460 -160 इज 57,860। अब करेक्ट वैल्यू क्या है कि करेक्ट वैल्यू है 2000, तो हम उसको ऐड करेंगे तो हमका हमारा नया जो सिग्मा एक्स आएगा समेशन है ऑफ एक्स वो क्या होगा 59,860 मतलब 860, मतलब जो गलत रीडिंग ऑब्जर्वेशन की थी उसको हमने माइनस कर दिया और जो सही रीडिंग है उसको ऐड कर दिया। पर पहले हमको क्या करना है कि सिग्मा एक्स फाइंड करना होगा, हमको मीन दिया हुआ है, हमको ये x बार दिया हुआ है, हमको n दिया हुआ है, पहले हमको सिग्मा x फाइंड करेंगे, सिग्मा x में से हम इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन निकाल के करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे, फिर हम करेक्ट मीन फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई वो है ₹2,394.40 और द करेक्ट एवरेज वेज इज़ ₹2,394.44। हमारी पहली जो थी वो 2,378 थी, ये आ गई हमारी 2,394 नहीं। तो ये इस टाइप्स के भी सम भी आते हैं। अब हम बात करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मीन, मीन जो है उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या होंगे। प्रोस क्या है, मोस्ट पॉपुलर एवरेज इन प्रैक्टिस, हम हमारी जिंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो मोस्ट पॉपुलर एवरेज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 6 out of 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज, जो गुड एवरेज होता है मीन उसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में समा जाता है 7 में से, गुड एवरेज के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें से 6 मीन में फाइन होते हैं। प्रोस तो हम इजीली समझ में आ गए, पर इंपॉर्टेंट है कौन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीन की कौन क्या है। तो मीन इज़ अनड्यूली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई हमारा जो टेबल है ऑब्जर्वेशन उसमें समझ लो कि ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है तो 13 है 15 है 17 है और फिर अचानक से 200 आ जाए, फिर से 19 हो जाए और फिर से 21 हो जाए, मतलब ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन एक्स का टेबल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू ये मीन का पूरा जो होगा उसको पूरा ख़राब कर देगा, क्योंकि आप इसका आप अंदाज़ा लगा तो 13 15 17 इसको छोड़ दे आप, तो 13 15 17 19 20 मतलब इसका एवरेज अराउंड
18 होगा, अराउंड 17 एंड 18 ऐसा मैं एग्जाम्पल पर। अगर इसमें एक ऑब्जर्वेशन 200 आने के वजह से, अगर ये 200 ऑब्जर्वेशन ना होता, ये 200 वाला ऑब्जर्वेशन, तो इसका मीन अराउंड 17 या 18 आता। पर 200 होने के कारण इसका मीन अभी सीधा 100 के ऊपर चला जाएगा, 100 150 जो भी होगा वो। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मीन की जो ऑब्जर्वेशन में अगर उसमें कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो उससे मीन पूरा ख़राब हो जाता है, और वो जो हमारे मीन होता है वो बिल्कुल कोई काम का होता ही नहीं है। इट इज़ नाइदर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू नॉर द मिडल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो मीन है वो ना मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, जो डेटा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ना मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू दिखाता है, ना वो मिडल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिडल है वो, दोनों ही चीज़ नहीं दिखाता जब वो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाते हैं तब। इन अ एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल, सिमेट्री ना हो उसमें, इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्री ना हो उसमें, ये जो मेजर है मीन, वो गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं माना जाता। तो ये हमारे हो गए मीन के कॉन्स। अब आ जाता है मीडियन। तो मीडियन की डेफिनेशन में आ जाए, मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। तो मीडियन भी इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच अपियर्स इन द मिडल ऑफ एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे जो सीक्वेंस दी हो, जो वैल्यूज दी हो, उसके बीचों बीच वो आता है, बीचों बीच वह जो ऑर्डर व ऑब्जर्वेशन है वो हमको, हम उसको मीडियन कहते हैं। डेट इज़ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डेटा आर लोअर देन इट एंड हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन। तो हमारे जो मीडियन की जो वैल्यू है, और दूसरा जो दोनों साइड जो ऑब्जर्वेशन है वो, या वो मीडियन, मीडियन बीच में बैठेगा, तो उसके आगे वाले जो वैल्यूज होंगे वो उसको छोटे होंगे, और जो उसके पीछे वाले वैल्यूज होंगे वो छोटे होंगे, लोअर होंगे, और जो आगे वाले वैल्यूज होंगे वो हायर होंगे उससे। ये हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट है। द मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। द टर्म पोजिशन रिफर्स द प्लेस ऑफ अ वैल्यू इन अ सीरीज। पोजिशन का मीनिंग क्या है कि दो ऑब्जर्व, जब प्लेस ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है उसका जगह क्या है उस सीक्वेंस में, उस सीरीज में जो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। द प्लेस ऑफ द मीडियन इन अ सीरीज इज सच दैट द इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मीडियन, मीडियन का पोजीशन कैसा होता है कि दोनों साइड जो है वो सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे मीडियन के अराउंड। ठीक है, मीडियन इज थस द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन जो है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल वैल्यू कहा जाएगा। अब हम कहते हैं कि मीन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी फॉर्मूला है मीन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए, कि मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। जो हमारा एन प्लस वन, एन जो है हमारा फ्रिक्वेंसी है या नंबर ऑफ टर्म्स है, एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, जो हमारा टर्म होगा, उसकी जो साइज, उसकी जो वैल्यू है वो मीडियन को दिखाएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मंथली इनकम ऑफ 7 एम्प्लॉयज कंप्यूट द मीडियन। ये हमारे जो मंथली इनकम दिए हुए 7 एम्प्लॉयज के लिए, इसका हमको मीडियन फाइंड करना है। अब पहले हमको ये देखना है कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे, जो है एन 7 है, वो ऑड है या विन है। इस ऑब्जर्वेशन में, इस एग्जाम्पल में हमारा जो एन जो है वो ऑड है। तो फर्स्ट, जो भी कोई भी मीडियन का सम हो, उसके पहला काम क्या करना है कि फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमको डेटा दिया है, अगर मीन फाइंड करने को, मीडियन फाइंड करने को बोला है, तो उसको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना हमारा पहला स्टेप होगा। फिर हम क्या करेंगे कि उसको जो सेट करा है उसको हम लिख लेंगे। ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब क्या करेंगे कि हम हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। मीडियन की फॉर्मूला क्या है कि साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। हमारा इस क्वेश्चन में एन क्या है, 7। तो हमारा साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन इज 7, एन 7 है, 7 प्लस वन अपॉन टू विच इज इक्वल अपॉन टू विच इज इक्वल फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन कहा जाएगा। तो इसमें देखते हैं, यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ वो ऑब्जर्वेशन जो है हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा मीडियन, इस के इस सम के लिए हमारा मीडियन कहा जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 13,650। ठीक है, अब हम मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशन, कोई टेबल दिया हुआ है, कोई टर्म्स दिए, उसमें वो एन जो है वो इवन है। इसमें मैं कर लेता हूँ एक और टर्म ऐड कर लेता हूँ, इसको बोल लेता हूँ मैं 17,600। मान लो मैंने इसी एग्जांपल में एक और एसआई नंबर, एक और टर्म ऐड कर दिया। पहले ऑड नंबर टर्म्स थे, अभी हमने क्या कर लिया, एक और टर्म ऐड करके इवन कर दिया उसको। फॉर्मूलाज तो हमारी सेम ही रहेगी, मीडियम इज इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पहले 7 थे एन, अभी 8 हो गया, तो एन प्लस वन अपॉन टू विच इज 4.5th ऑब्जर्वेशन। अब इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा जो मीडियम है वो 4.5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। तो 4.5th ऑब्जर्वेशन के मीनिंग क्या हुआ,
तो जब भी ऐसा को 4.5 या 6.5 जो भी हो, उसका इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में आता है 4.5, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का हमको एवरेज ले लेना है, वो हमारा मीडियन कहा जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मीडियन विच इज़ इक्वल्स टू, अब हमारे इसी एग्जांपल में आ जाते हैं, हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 13,615 और हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है 13,800। लिख लेता हूँ मैं दोनों, 13,650 + 13,800, इसका हमको एवरेज लेना है, मतलब डिवाइड बाय टू कर देना है। तो हमारा इसका कैलकुलेशन ये आ रहा है 13,650 + 13,800 वो है 27,450, और इसको डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27,450 डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल्स टू 13,725। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 13,725। तो जब भी ऑड हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा n+1/2 हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा परफेक्ट इवन नंबर ही आएगा, पर जब हम उसको परफेक्ट नंबर आएगा और जब भी हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इवन होगा तो हमारा ऐसा 4.5 6.5 कुछ भी आएगा, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि 4.5 मतलब फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज, अगर 6.5 हो तो 6th और 7th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो ऐसे ही हम मीडियन फाइंड करते हैं ऑफ अनग्रुप डेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रंग बदल देता हूँ मैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड थैंक यू, दी एंड।